Good morning, everyone. So we have to complete illustration number 7. Let's start. Everyone with me. Illustration number 7. From the following trial balance and the additional information given of Messrs. Lakshmi Enterprises, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2019. So your year is 1819. Your year is 1819 and the balance sheet as on that date. In the books of Messrs. Lakshmi Enterprises, trial balance as on 31st March 19. They have given you machinery asset, debtors asset, furniture asset, stock at the beginning, opening stock ever, trading ke debit pe aega, wages, trading debit, electricity charges, P&L debit, insurance, P&L debit, factory range, expenses related to factory, trading account debit, then insurance, P&L debit, factory rent, trading debit, traveling, P&L debit, advertisement, P&L debit, office rent, you just rent, always in P&L, purchases, trading debit, sales return, sales se minus hoga, sales se minus hoga, bad debts, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है मतलब दिस इज ओल्ड बैड डेट्स. इसका एक ही इफेक्ट रहेगा, हम इसको कहां पे लिख देंगे, पीएनएल डेबिट में लिख देंगे. ड्रॉइंग्स कैपिटल के डेबिट पे लिख देंगे, पोस्ट कर देंगे. आई मीन डिस्काउंट क्रेडिट वाला डिस्काउंट है इनकम, पीएनएल क्रेडिट. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस होगा, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा. देन क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 10% बैंक लोन ऑफ 76,000. आपने 76,000 का लोन लिया है, उस पर आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है. लोन टेकन ऑन 1st October 2018. तो आप मुझे बोलो 1819 स्टार्ट हुआ 1st April 2018 को, ईयर खत्म हो रहा है 31st March 2019. हम 31st मार्च 19 को इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फाइनलाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, राइट. हमने कहां पे 1st October 2018 को, मतलब यहां कहां पे, फर्स्ट अक्टूबर 18 को हमने 76,000 का लोन लिया. तो आप मुझे बोलो हम 76,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हमें पे करना है, हमारा एक्सपेंस कितने मंथ्स का होगा, हमारा एक्सपेंस कितने मंथ्स का होगा, अक्टूबर से मार्च एंड. अगर हमने 6 months फंड्स यूज किए, अगर हमने 6 months के लिए लोन यूज किया है तो हम इंटरेस्ट भी 6 months का ही देंगे. सो 76,000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 months कितना आएगा, 76,000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 months डिवाइड बाय 2, 3,800 का इंटरेस्ट होगा, 3,800 का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा. तो डेबिट पे अगर लोन क्रेडिट पे तो अपोजिट साइड पे इंटरेस्ट ढूंढो, अगर लोन क्रेडिट पे है तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ढूंढो, अगर लोन डेबिट पे मतलब लोन गिवन होगा तो उसमें इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड पे ढूंढो, अपोजिट साइड पे ढूंढो. सो है क्या कुछ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है क्या, आपने कुछ पेड किया क्या पूरे साल में, अगर आपने पेड किया होता तो एंट्री आती इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट एंड वो इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे दिखता है. क्या कुछ मुझे बोलो, कुछ इंटरेस्ट पेड किया क्या आपने, मैं आपको पूछ रहा हूं, हैव यू पेड सम इंटरेस्ट, यस और नो, कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड किया क्या आपने ट्रायल बैलेंस में, क्या कुछ इंटरेस्ट डेबिट पे, अरे देखो ना आपके सामने बुक है क्या कुछ इंटरेस्ट, नो. तो अब हम क्या करेंगे, हम डेबिट में ऐड करेंगे इंटरेस्ट, मतलब एक्सपेंस में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, हम ऐड करेंगे कितना 3,800 एंड हम लोन में उतना ऐड कर देंगे 3,800. अपना ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट अपने आप टैली होगी, क्यों, बिकॉज हम एक्सपेंस में ऐड कर रहे हैं 3,800, हम लाइबिलिटी में भी ऐड कर रहे हैं 3,800, हम डेबिट पे ऐड कर रहे हैं 3,800, एक्सपेंस में ऐड करना मतलब डेबिट एंड लाइबिलिटी में ऐड करना मतलब क्रेडिट. आगे नेक्स्ट, उसके बाद
ये हिडन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट खुद होके समझनी है। आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है, इसको पीएनएल के क्रेडिट पे डाला जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट हम सेपरेट निकालते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 को योर 57,000 का क्लोजिंग स्टॉक, कोई इश्यू है क्या? नहीं। ट्रेडिंग को क्रेडिट करके असेट में लिख देंगे हम, ट्रेडिंग को क्रेडिट करके असेट में लिख देंगे। डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%, दोनों से माइनस करेंगे एंड पी एंड एल के डेबिट पे डाल देंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज 1,000, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज 1,000, मतलब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,000 मतलब राइट प्रीपेड, जिसका एक्सपायरी नहीं हुआ है, जिसका बेनिफिट खत्म नहीं हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है, वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वो प्रीपेड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। एक्सपेंस से माइनस किया जाएगा, एक्सपेंस से माइनस किया जाएगा और असेट में ऐड किया जाएगा, नॉट एक्सपेंस बट असेट। ₹800 आर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, 800 को बैड डेट्स बोलना है, एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2% एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3%। हमें बैड डेट्स भी हैं, हमें आरडीडी भी दिया है, हमें पीडीडी भी करना है एंड उसके साथ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी करना है। और वैसे भी एडजस्टमेंट मैंने बोला सबसे एड में करते जाओ बिकॉज इसमें परसेंटेज होता है। एक चीज समझ लेना, बैड डेट्स आरडीडी पीडीडी तीनों डेटर से माइनस होगा और एक्सपेंस है इसलिए पीएनएल के डेबिट में ऐड होगा, एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जो होता है क्रेडिटर से माइनस होगा, उतना हमें आगे जाके डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा गेन होगा, हम उसको इनकम ऐड करेंगे। आरडीडी बैड डेट्स आरडीडी पीडीडी डेटर से माइनस होता है मतलब लॉस, असेट से माइनस हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रही है मतलब लॉस, पीएनएल डेबिट में डाल दो। एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिटर से माइनस होता है, लाइबिलिटी से माइनस हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, इज गेन, वो पीएनएल के क्रेडिट पे आएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर वेजेस एंड ऑफिस रेंट, दीज आर एक्सपेंस विच आर नॉट पेड, ये इस ईयर के एक्सपेंस है बट पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा, इस ईयर के एक्सपेंस है बट नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगा, इस ईयर में नहीं हुआ है उनका पेमेंट, बट अगर ये इस ईयर के एक्सपेंस है भले वो पेड ना हो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम दिखाएंगे पेएबल बोल के, हम लाइबिलिटी दिखाएंगे उसको, हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे, हम लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। अगर इस ईयर के एक्सपेंस है तो इसी ईयर में आने चाहिए भले आप पे करो या ना करो। अगर आपने पेड किया तो अच्छी बात है, कैश विल डिक्रीज, अगर आपने पेड नहीं किया है तो लाइबिलिटी विल इंक्रीज, बट इस ईयर के एक्सपेंस इसी ईयर में आने चाहिए। आगे, गुड्स विदड्रॉन ₹2,000 बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ये गुड्स बाहर जा रहे हैं, आउटफ्लो है, ओनर लेके जा रहा है उसके लिए तो आउटफ्लो है, तो एक आपके पास ऑप्शन है परचेस से माइनस करो, या दूसरा ऑप्शन है आप ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, परचेस से माइनस करो या ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, गुड्स बाहर जा रहे हैं बोल के, एंड दिस इज ड्रॉइंग्स, तो कैपिटल से माइनस करना होगा ड्रॉइंग्स। ठीक है, सो करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। सो हमारी पहली कसम, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है हम एक जगह पे लिखेंगे और कॉपी पेस्ट में टाइम नहीं लगाना है, कॉपी पेस्ट जितने जल्दी करोगे राइट उतने जल्दी आपका आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया वो लिखने में टाइम कभी नहीं लगाना है, लिखो जल्दी एवरीवन। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मैंने आपको बोला है कि आप बना के रखो 4-5 फॉर्मेट। यस एवरीवन इट, ठीक है, सबसे पहली असेट है डेबिट, पहले लिखेंगे मशीनरी 1 लाख, उसको डेप्रिसिएशन होगा, आप इनर कॉलम में लिख दो मशीनरी 1 लाख। देन डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है तो कम से कम 6 लाइन लगेंगे हमें राइट, डेटर्स 1,20,800 पूरी जगह लग के डेटर्स 1,20,800 5-6 लाइन देने दो सेफर साइड हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर 36,
उसको भी डेप्रिसिएशन है 36,000। आगे ओपनिंग स्टॉक 20,000, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया ना वो इतनी स्पीड में लिखो ना, मतलब 2 मिनट में खत्म करना है ट्रायल बैलेंस को, सट 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 लिख देना, रुकना ही नहीं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के लिए रुकना ही नहीं। 20,000, जितनी जल्दी ट्रायल बैलेंस एक जगह पे लिखोगे ना, क्योंकि उसमें सोचना नहीं होता है, उतना आपका आंसर क्विकली आएगा। टू वेजेस इनर कॉलम में 1,800, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,600, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,600, नेक्स्ट इंश्योरेंस 5,000, कुछ एडजस्टमेंट का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, इनर कॉलम में। आगे उसके बाद फैक्ट्री रेंट 4,600 रीडिंग में आएगा। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो ट्रेडिंग में आते हैं। फैक्ट्री रेंट कितना है 4,600। आगे फैक्ट्री रेंट के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस रेंट, सब पीएनएल में आएगा। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस को नहीं, बाहर कितना है 3,600। एडवर्टाइजमेंट 2,500। आगे ऑफिस रेंट, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या है, ऑफिस रेंट है, अच्छा ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग है, इनर कॉलम में 3,000, इनर कॉलम में 3,000। आगे नेक्स्ट, उसके बाद परचेस एंड सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग के आइटम्स है, टू परचेसेस इनर कॉलम में, बिकॉज रिटर्न है क्रेडिट पे बाइंग में माइनस करेंगे, 49,300 परचेसेस। बाय सेल्स अमाउंट बाद में लिखो, पहले सेल्स रिटर्न लेस, कितने का सेल्स रिटर्न है 2,800। आगे बैड डेट्स 1,200, टू बैड डेट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड, और उसमें एडजस्टमेंट है, देयर इज अ न्यू बैड डेट जो ऐड करना होगा, न्यू बैड डेट्स कितना 1,200। देन ड्रॉइंग्स कैपिटल को डेबिट होगा, डेबिट को डेबिट ही करेंगे, बट कैपिटल को डेबिट करेंगे, टू ड्रॉइंग्स 12,000। आगे तो मैंने जो भी मेरे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे मैंने एक जगह पे लिख दिया, अब मैं क्रेडिट साइड को पकड़ूंगा, डिस्काउंट 2,000, क्रेडिट रिमेंस क्रेडिट, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा वो, क्रेडिट का डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 2,000। सेल्स कितना सेल्स है 77,500, देन परचेस रिटर्न 4,800, लेस परचेस रिटर्न माइनस 4,800, तो कितना नेट परचेसेस है 44,500 नेट परचेसेस, 44,500 क्रेडिटर्स 52,000, गुड एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स में, डिस्काउंट माइनस करना है। आगे 10% बैंक लोन 76,000, ये भी इसमें भी एडजस्टमेंट है, राइट ना, अभी हमने देखा था 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, 76,000 इनर कॉलम में। आगे आरडीडी क्रेडिट है, पीएनएल क्रेडिट, इसको ओल्ड बोला जाता है, बराबर, विच इज 1,600। आगे ओडी लाइबिलिटी, बैंक ओडी लाइबिलिटी कितने का ओडी है 53,300, उसके बाद कैपिटल 1,00,000, हो गया ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया, ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया। जिसका डाउट है ट्रायल बैलेंस में, एनीवन इज डाउट, होगा क्या ट्रायल बैलेंस लिख के बोलो,
यस और नो? बोलो, किसी को डाउट है? हो गया ट्रायल बैलेंस लिख के? हो गया ट्रायल बैलेंस लिख के? गुड, ये आपका ट्रायल बैलेंस एग्जाम है, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। अगर ये हो गया तो आगे हम करते हैं, ठीक है। अब नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। ले लो, क्लोजिंग स्टॉक 57,000 लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा नीचे लिखवा, क्लोजिंग स्टॉक एंड में लिखने का, ट्रेडिंग के एकदम नीचे लिखने का, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, क्लोजिंग स्टॉक सबसे एंड में, विच इज 57,000। क्लोजिंग स्टॉक इज 57,000, ओके, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज 57,000। ट्रेडिंग को क्रेडिट या परचेस से भी माइनस कर, आपको आपके पास सेकंड इफेक्ट भी मैं सिखा रहा हूं आपको। दूसरा चीज भी बोल सकता रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग, कोई लोग क्या करते पता है, ट्रेडिंग को क्रेडिट करने की जगह क्रेडिट पे पॉजिटिव लिखने की जगह डेबिट से माइनस कर देते हैं। मतलब वो क्या करते पता है, इसी क्लोजिंग स्टॉक को यहां से माइनस करेंगे परचेस से, बट परचेस निगेटिव दिखेगा, 44,500 में से 57,000 माइनस होगा, ठीक है, थोड़ा गलत दिखेगा, थोड़ा गलत दिखेगा। आप इन दोनों को साथ में लेके यहां से माइनस कर सकते हो। आपके पास टोटल 20,000 के गुड्स थे, बाद में 44,500 के गुड्स आ गए, टोटल आपके पास 64,500 के गुड्स आ गए। देखो समझने का ट्राई करो, मेरे पास 20,000 कॉस्ट के गुड्स थे, फिर मेरे पास 44,500 के गुड्स आ गए, टोटल गुड्स है ऑलमोस्ट मेरे पास 64,500 के, कितने 64,500, उसमें से 57,000 के गुड्स सेल हुए, सेल नहीं हुआ। कितना इलॉजिकल क्वेश्चन है, देखो आप, मुझे इलॉजिकल लगता है, आप क्वेश्चन दिया इसलिए ठीक है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, ठीक है, ध्यान देना, जब समझ लेना, खाली आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको एनालिसिस में आना चाहिए जो बिजनेसमैन। ओपनिंग स्टॉक 20,000 का था, परचेस से 44,500 के, और इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कुछ आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह पकड़ के, चलो हम 6,000 लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 6-7,000 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क आगे पीछे, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट इतने कॉस्ट के गुड्स है 71,000, और उसमें से 57,000 की सेल ही नहीं हुए, वो वैसे के वैसे 57,000 के, मतलब इसमें से 57 इतने टोटल गुड्स थे आपके पास, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, अवेलेबल आपके पास इतने कॉस्ट के गुड्स अवेलेबल थे यार, 71,500 कॉस्ट में, 7,000 मैंने रैंडम लिया है थोड़ा, उसमें 1,000 एडजस्टमेंट भी रहेगी, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 71,000 के गुड्स थे, उसमें से अनसोल्ड है 57,000, मतलब आपने जो सीओजी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने 14,500 के गुड्स कितने में सेल किए पता है, इतने में, मतलब आप कितने हायर प्रॉफिट पे सेल करो, देखो ना, मतलब 14,000 कॉस्ट के गुड्स, 14,500 कॉस्ट के गुड्स आपने ऑलमोस्ट 74,700 में सेल किए, मतलब 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, वैसे देखा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप समझ के करते हो तो आपको एक चीज समझेगी आप, कि मतलब कितना हायर प्रॉफिट मार्जिन है इनका। हाँ बोलो अनुजा, हाँ अनुजा बोलो, अनुजा ठीक है। सो आपको थोड़ा थोड़ा ना पढ़ना भी आना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट को, क्या क्या दिया है उनके पास ऑलमोस्ट, राइट, ऑलमोस्ट कितने के गुड्स थे, 20,000 ओपनिंग में पड़ा था, साल भर में 44,500 का परचेस है, और ऑलमोस्ट 7,000 के डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब टोटल 71,500 के गुड्स थे उनके पास अवेलेबल फॉर सेल, डेबिट साइड इज अवेलेबल फॉर सेल, इतना सेल कर सकते हो आप 71,500 कॉस्ट के गुड्स, उसमें से 57,000 के गुड्स अनसोल्ड है,
मतलब आपने जो सेल किया वो 14,500 के गुड सेल किए, कितने में सेल किया आपने? राइट, 74,000 में सेल किए, मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑलमोस्ट 60,000 के करीबन रहेगा, 55 to 60,000 के करीबन रहेगा। बहुत अच्छा बिजनेस है, मतलब 14,500 के गुड्स, ऑलमोस्ट 14,000 के गुड्स आप 74,000 में सेल करो, इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब आप 15,000 के गुड्स 60,000 में अगर प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, मतलब चार गुना प्रॉफिट है आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आगे, तो ऐसे जब आप सोचोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इसमें, ठीक है? आगे पढ़ना सीखो, जब आप पढ़ना सीखोगे ना कि अरे इस अकाउंट को मैं कैसे पढ़ू, मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं, मुझे इससे क्या मिलेगा, जब आप ये सोचोगे ना, आपके लिए बहुत सारी चीजें, मतलब आपका इंटरेस्ट एक और अलग अलग ढंग में आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनल क्या रियल लाइफ में आप फाइनल अकाउंट करते हो? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ये जो कर रहे हैं ना, इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ऑडिट करते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास रिलायंस का ऑडिट है, वी आर ऑडिटर ऑफ रिलायंस, बैलेंस शीट करना, रिलायंस की बैलेंस शीट एंड पीएनएल करना इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ऑडिटर को वो पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट करेक्ट या नहीं ये देखना होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, उस चीजों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जब आप इस समझोगे ना, तब क्लियर होगा, मैं इस बिजनेस में डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे कोई बोलता है इसमें, इस बिजनेस में, ये लक्ष्मी इंटरप्राइजेस में तुम इन्वेस्ट करोगे क्या, मैं ग्रॉस प्रॉफिट देख के तो मैं बोलूंगा यार बहुत तगड़ा बिजनेस है इनका। 15,000 का जो कॉस्ट है, 15,000 के गुड्स ऑलमोस्ट 74,000 में सेल करें, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ऑलमोस्ट चार, देखो ना, 4 times प्रॉफिट है यार। मैं बोलूं तो यार अच्छा बिजनेस है इनका, जो भी बिजनेस, आई डोंट नो क्या कर रहा है एग्जैक्टली। तो ऐसे सोचोगे आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं आगे, ठीक है? उसके बाद डेप्रिसिएट, मैं हमेशा इनमें करता हूं, मैंने आपको पहले ही बोला है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,000 लेस, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, लेस अनएक्सपायर्ड, लिखो अनएक्सपायर्ड 1,000 ओके, एक्सपेंस से माइनस हुआ, असेट में ऐड होगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,000 आगे, नेक्स्ट आगे, बैटेस हार्डली पेडी सब मैं एंड में करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 2,200, ऑफिस एंड 1,400, वेजेस 2,200 ऐड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड होगा, मतलब आपने 1,800 पेड किए, उसकी एंट्री क्या हुई पता है आपको? देखो रीड करना सीखो, ये 1,800 ट्रायल बैलेंस में इसकी एंट्री हो चुकी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और सॉरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो 2,200 है उसकी एंट्री नहीं हुई है, वो एडजस्ट, मतलब उसकी एंट्री नहीं, अब एंट्री डाल रहे वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल अकाउंट। तो आपके टोटल साल भर में वेजेस कितने हो गए, राइट? आपके साल भर में वेजेस कितने हो गए, राइट? 4,000। तो इस ईयर के वेजेस 4,000 है, उसमें से पेड इज 1,800, अनपेड इज 2,200। एक्सपेंस या तो पेड हो सकता है या अनपेड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हम एक्सपेंसेस, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने एक्सपेंसेस में ऐड किया, हमने एक्सपेंस में क्या किया, ऐड किया, ठीक है? एंड हम लाइबिलिटी में भी ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग उसमें आएगा वेजेस 2,200, ठीक है, 2,200 आगे। उसके बाद ऑफिस रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, ऑफिस रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, ऑफिस रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, यस, लेट मी चेक कितना है,
ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग इज 1400, आपने जो पेड किया है 3000 उसकी एंट्री हुई है ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3000, और जो अनपेड है उसकी एंट्री आज डाल रहे हो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, तो एक्सपेंस में ऐड कर रहे हो एंड लायबिलिटी में भी ऐड करेंगे ऑफिस रेंट 1400, ठीक है। उसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं या तो परचेस से माइनस करो या ट्रेडिंग को क्रेडिट दिखाओ, बाय गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ओनर ने गुड्स निकाले, कितने के गुड्स निकाले उसने 2000 के, सो गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो मैंने ट्रेडिंग को क्रेडिट किया और ये ओनर ने निकाले मतलब ड्रॉइंग्स है, तो यहां से कैपिटल से माइनस होना चाहिए, तो डेबिट टू गुड्स विड्रॉन 2000 के गुड्स निकाले, तो टोटल उनकी ड्रॉइंग्स हो गई 14000, 12000 ट्रायल बैलेंस वाली एंड 2000 एडजस्टमेंट वाली, ठीक है। आगे उसके बाद अब एक हिडन एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट, हमने 76000 का लोन लिया है 1st October 18 को, हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31st March 19 को, तो वो हमारा जो ईयर खत्म हो रहा है 31st March 19 को, बराबर ना, हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31st March 19 को, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमने 6 मंथ्स के लिए लोन यूज किया, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंस में आना चाहिए, बट कुछ भी नहीं है, तो हम लेके आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस में ऐड किया जाएगा 76000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ्स, एक्सपेंस में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह रखना बैड डेट्स के बाद, क्योंकि बैड डेट्स के एक आधी दो एडजस्टमेंट है, ठीक है। आगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सो 76000 पे 10% 7600 आएगा, मुझे उसका हाफ चाहिए तो 3800 आता है, 6 / 12, एक्सपेंस में ऐड किया 3800। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कुछ होता, ध्यान देना, अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कुछ होता तो मैं रिमेनिंग ऐड करता, सपोज ट्रायल बैलेंस में 800 होता डेबिट पे, इंटरेस्ट ऑन लोन 800 होता ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे, मतलब 3800 में से 800 पेड किया है, 3000 अभी भी पेएबल है, तो हम एक्सपेंस में ऐड करते 3000, कितना ऐड करते 3000, मतलब 800 प्लस 3000 आउटर कॉलम में 3800 आता है, मतलब इंटरेस्ट 3800 से 1 रुपया ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1 रुपया कम भी नहीं होना चाहिए पीएनएल डेबिट में, तो मैंने एक्सपेंस में ऐड किया 3800, अब मैं लायबिलिटी में ऐड करूंगा 3800 ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, जो खुद होके समझना होता है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद अब हम करेंगे एडजस्टमेंट नंबर टू, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, हमेशा एंड में करो, कोई चीजों के लिए आदत डाल दो, कभी गलत नहीं जाओगे। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, बट मैं बोल रहा हूं फर्क पड़ता है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ दोनों को 5%, आज नहीं समझोगे लेकिन आपको समझेगा कि सर क्यों बोलते हैं हमेशा एंड में करो, बिकॉज कभी कभी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट मे बी 11th 12th में कम रहेंगे, बट आप रियल लाइफ में देर विल बी मेनी एडजस्टमेंट, इसलिए उसको एंड में करना ही ऑलवेज प्रेफरेबल होता है, ठीक है। 95000 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 5%, 1800 आएगा, विच इज 34200 हमने डेप्रिसिएशन दिया। बोलो समझा यहां तक, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट, इट इज अ लॉस, इट इज डिक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट, इट इज अ लॉस। रिमेंबर हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था, एंट्री आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट, एंड फिर डेप्रिसिएशन को ईयर एंड पे पीएनएल में ट्रांसफर करना है टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड राइट फर्नीचर, मशीनरी पे है सम 5000 एंड इस पे 1800 फर्नीचर पे,
टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर इज 5000 प्लस 1800 दैट इज 6800। आगे जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है, जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है ऑलवेज रिमेंबर, वैसे ही एडजस्टमेंट आपके आरडीडी पीडीडी बैड डेट्स वगैरह सबकी होती है। सो सबसे पहले माइनस होगा बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, सीक्वेंस हमेशा याद रखना, पहले बैड डेट्स माइनस होगा, एक्चुअल लॉस, बैड डेट्स इज प्रूव्ड, ये हो हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बैड डेट्स है, 800 रुपीज राइट ऑफ करना है। सो एक्चुअल डेटर्स ट्रायल बैलेंस में जो दिख रहे थे 120,800, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिख रहे थे 120,800 वो रॉन्ग है, एक्चुअल में उसमें से 800 बैड डेट्स है, मतलब एक्चुअल करेक्ट डेटर्स, करेक्ट डेटर्स इज 120, उसमें से लेस हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर में कोई लोग बैड डेट्स करेंगे, न्यू आरडीडी कितने परसेंट वाले बैड डेट्स कर सकते हैं आपको लगे, 2,00,000 में से कितना परसेंट बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकता है, 5% न्यू आरडीडी। क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, मेरे पास 120,800 के टोटल डेटर्स थे, उसमें से 800 के डेटर्स, उसमें से 800 के डेटर्स राइट बैड है, एक्चुअल बैड डेट्स है, तो बचे 120,000, उसमें से 5% बैड डेट्स हो सकते हैं, उसमें से 5% बैड डेट्स हो सकते हैं, हुए क्या नहीं वो नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा, मतलब हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 6,000 के डेटर्स बैड डेट हो सकते हैं, 120 इज करेक्ट डेटा, उसमें से 6,000 बैड डेट्स हो सकते हैं, मतलब गुड डेटर्स आर, गुड डेटर्स आर 114,000, उनमें से 114,000 वाले हमें पे करेंगे बराबर, उनमें से हमें 2% वालों को डिस्काउंट देना पड़ेगा लेस, न्यू पीडीडी एट द रेट ऑफ 2%। 114,000 का 1% आता है 1140, लास्ट के दो डिजिट ऐड करने के 1% 1140, 1140 का डबल आएगा 2280, 2280 perfect. So, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1,11,720। ये एडजस्टमेंट समझे क्या आपको, मुझे बोलो पहले बैड डेट्स माइनस हुआ, फिर आरडी माइनस हुआ, जो बच्चा है उसका ऑलवेज रिमेंबर, और फिर माइनस हुआ पीडीडी, समझा या नहीं समझा, ये एडजस्टमेंट समझे नहीं, बिकॉज ये एडजस्टमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अरे समझा, यस और नो लिखो एवरीवन, यस और नो, गुड। डेटर डेप्रिसिएशन जैसे हमने माइनस किया डेटर से, तो इनको हम ऐड करेंगे यहां पे, टू बैड डेट, बैड डेट्स में ऐड करो, ऐड न्यू बैड डेट्स, न्यू कितना ऐड होने वाला है, न्यू बैड डेट्स 800, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स था वो भी गलत था, ट्रायल बैलेंस में 1200 था, 800 हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, हम रिकॉर्ड किए 2000, ठीक है। आगे गुड, ये एडजस्टमेंट समझ में आ गए तो समझ लेना आपको बहुत अच्छे से, मतलब अकाउंट्स आ रहा है फाइनल अकाउंट्स। फिर हमने दो जब तक इफेक्ट नहीं दोगे आगे नहीं जाना है, कसम खानी है, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, सेकंड कसम थी हमने कभी भूलना नहीं लाइफ में। फिर आरडीडी डेटर से माइनस हुआ है, पी एंड एल डेबिट में आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ टू न्यू आरडीडी, क्या फर्क पड़ता है, स्पेस यहाँ पे स्पेस है इसलिए लिख रहा हूँ, आप नीचे भी लिख सकते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, 6000, अगर मैं यहाँ पे स्पेस बना सकता हूं तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, ठीक है, टू टू न्यू पीडीडी, पीडीडी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा स्पेस देता हूं, मतलब आपको दिखेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सब एडजस्टमेंट है, डेटर से माइनस हुआ मतलब लॉस है, पी एंड एल डेबिट में आके बैठ गए, यस
एनीवन हैज डाउट, यहां तक किसी का डाउट है तो पूछो, अगर यहां तक किसी का डाउट है तो पूछो, ठीक है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स किया, 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स होता है, लेस क्रेडिटर्स से माइनस होगा, लेस पीडीसी, पीडीसी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पीडीडी मतलब क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पीडीडी, डेटर से माइनस होके पेड लिमिट में जाएगा, उसका एग्जैक्टली अपोजिट है पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इनकम होता है वो क्या होता है, इनकम एट रेट ऑफ 3%, 52,000 का 3%। परफेक्ट। सो कितना बचेगा, 440 सर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कम हो गई, इट्स अ गेन, सो पीडीसी यहां पे आता है बाय पीडीसी इनटू ब्रैकेट न्यू, यस इनटू ब्रैकेट न्यू, पॉजिटिव रहना चाहिए इसको, मैं निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पीडीसी समझा, पीडीसी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यस एनीवन इज डाउट, यहां तक किसी का डाउट है तो पूछो, ठीक है हो गया। अब ध्यान देना, अब हमें अकाउंट फाइनलाइज करने, एवरीवन विद मी, 133,700 इज द इनकम टोटल, तो मैंने वो लिख दिया, फिर यहां पे मैंने ढूंढा व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम ट्रेडिंग की जो इनकम है माइनस मैंने ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस किए 60,000 से, देखो मैंने बोला था ऑलमोस्ट 60,000 का प्रॉफिट है, देखो आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल में ट्रांसफर किया, ट्रेडिंग क्लोज हो गया, पीएनएल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब हम इनकम साइड की टोटल लेते हैं, आई डोंट नो इनकम की टोटल कितनी है, लेट मी चेक, पीएनएल क्रेडिट पे टोटल कितनी है, 66,000 के आसपास रहेगी बराबर, यहां पे कितनी टोटल है इनकी देखते हैं, इनकी टोटल कितनी है ओरली देखो, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, 5 प्लस ये ऑलमोस्ट 12,000-13,000 पकड़ के चलो, 13,000 प्लस ये 7,000 पकड़ के चलो, 20,000 प्लस ये 4,000-10,000 पकड़ के चलो, 30,000 प्लस ये 10,000 पकड़ के चलो 40,000, मतलब ऑलमोस्ट 40,000-45,000 तक है ओवरऑल, देखो बाद में एग्जैक्ट ढूंढो, एक डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर ही ढूंढना हमें, क्रेडिट इज मोर यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट रहेगा थोड़ा मोटा मोटी देखने का, मोटा मोटी प्रॉफिट ढूंढने के लिए कि पहले डिसाइड करेंगे ना कौन सी साइड हेवियर है, कुछ भी हो सकता है आई डोंट नो, इसलिए मोटा मोटी देखने का, लॉजिक भी है, पीएनएल के डेबिट पे तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट ही होना चाहिए कैपिटल के क्रेडिट पे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,780
टोटल क्रेडिट इज 1,25,780, बैलेंस बचेगा, बच अपने आप बचेगा बिकॉज मैंने फॉर्मूला देख ही रखा है, 1,11,780 कैपिटल बचेगा, लाइबिलिटी में लिखा जाएगा कैपिटल को, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी में आएगा 1,17,780, और फिर मेरे बैलेंस शीट की टोटल आएगी समथिंग, लेट मी चेक, सम ऑफ मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के टोटल बाहर नहीं लिया, मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के टोटल बाहर नहीं लिए इसलिए मेरा टैली नहीं होगा शायद से, तो मैं यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,600 ये बाहर नहीं लिया था ना मैंने, अब मैंने बाहर ले लिया आउटर कॉलम, देखो मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई 2,98,920, 2,98,000, परफेक्ट मंथ से, परफेक्ट, क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं, क्या डिफिकल्ट है क्वेश्चन में, एक बार कंसेप्ट क्लियर है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना, किसी के डाउट है चलो पूछो जल्दी, एनीवन हैज डाउट, किसी के डाउट है तो पूछो, चलो जल्दी पूछो, इधर क्या हुआ, सॉरी है किसी के डाउट इस क्वेश्चन में, एनीवन हैज क्वेश्चन, किसी के डाउट इस क्वेश्चन में है तो पूछो, है तो पूछो, प्लीज बराबर है अपना आंसर उनके हिसाब से 2,98,920 परफेक्ट, हो गया लिख के जल्दी बोलो, हो गया क्या लिख के, हो गया एवरीवन जल्दी यस और नो लिखो कुछ तो, हो गया लिख के, ओके गुड, नेक्स्ट आगे, अब और दो तीन एडजस्टमेंट लिख लेना, अपने पास 10-15 मिनट है तो हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नहीं होगा अपना लेकिन एडजस्टमेंट्स होंगे, लिखो
सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 21, एडजस्टमेंट नंबर 21, ध्यान देना, बिजनेस एक्सपेंस लाइक ट्रेवलिंग एक्सपेंस, लाइक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइक वेजेस, लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ऐसे बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है, इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंस इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपेंस, कोई मुझे बोलेगा क्या कि क्या आपको क्या लगता है इसकी इफेक्ट क्या आनी चाहिए? अभी तक आपने जो सीखा है, अभी तक आपने जितना फाइनल अकाउंट सीखा है, इससे आपको क्या लगता है जब मैंने ऐसे बोला कि बिजनेस एक्सपेंस, लाइक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल चाहिए तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स प्लेजर ट्रेवल बाय ओनर विथ हिज फैमिली, एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स प्लेजर ट्रेवल बाय ओनर विथ हिज फैमिली, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? दो इफेक्ट बोलो मुझे, दो इफेक्ट क्या आप मुझे बोलो क्या करना चाहिए, लिखो लिखो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोचो ना, दिमाग पे जरा प्रेशर दे दो, बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपेंसेस, अच्छा मानसी करेक्ट है तेरा, इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल लेके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स प्लेजर ट्रैवल बाय ओनर विथ हिज फैमिली, इसका अगर ये ऐसे एडजस्टमेंट तो आप क्या करोगे, अगर ये एडजस्टमेंट तो आप क्या करोगे, ये मुझे चाहिए, अगर ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स प्लेजर ट्रैवल बाय ओनर विथ हिज फैमिली, तो आप क्या करोगे बोलो, व्हाट विल बी योर टेक, आप क्या करोगे, यूज योर कॉमन सेंस एवरीवन, चलो बाकी लोग भी, बराबर है, दुर्गा का आंसर बराबर है, सर हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस से माइनस करेंगे और कैपिटल ड्राइंग बोल के कैपिटल से माइनस करेंगे, सो इंग्लिश आनी चाहिए, बिजनेस एक्सपेंस इंक्लूड्स, अगर उसमें इंक्लूड है वहां से क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, जिसमें इंक्लूड है वहां से एक्सक्लूड करोगे ना, तो लिखो वहां पे, यस एवरीवन, लिखो यहां पे, लिखो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, राइट, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, एंड दूसरा एड इन ड्रॉइंग्स दैट इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, सो मैं क्या करूंगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में वो घूमने गया खुद के लिए, वो खुद के लिए घूमने गया उसके फैमिली के साथ, तो अगर वो उसके फैमिली के साथ घूमने गया, वो बिजनेस के लिए तो नहीं गया ना, तो वो उसकी ड्राइंग्स है, मे बी वो घूमने गया, पेमेंट हमने किया, बिजनेस ने पेमेंट किया होगा उसके, अब ओनर है तो हम उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं ना, बट हमने उसको ट्रैवल एक्सपेंस नहीं बोलना चाहिए था, हमने ड्राइंग्स बोलना चाहिए था, हमने गलती क्या की है, ड्राइंग्स को ट्रैवल एक्सपेंस में डाला है, तो ट्रैवल एक्सपेंस से निकालो और ड्राइंग्स में डाल दो, समझा नहीं समझा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड एड इन ड्राइंग्स, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड Add in drawings. Next. Clear है ये सबको? कि किसी को डाउट है इसमें? इस एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, यस हो गए सब सुबह सुबह? किसी को डाउट है? गुड. Next. आगे.
ठीक है, आगे ध्यान देना, लेट्स कंटिन्यू। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22nd। कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, इज रॉन्गली कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट, फिक्स्ड असेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड असेट, लाइक वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कैरेज पेड टू ब्रिंग द मशीनरी, फ्रेट पेड टू ब्रिंग द मशीनरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड असेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड असेट, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस, मे बी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ध्यान देना क्या एडजस्टमेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड असेट्स इज रॉन्गली कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस। और अनदर एग्जाम्पल, कैरेज पेड, कैरेज और फ्रेट पेड मैं आपको एडजस्टमेंट करना सिखा रहा हूं, दिमाग लगाओ, राइट, पेड ऑन मशीनरी और फिक्स असेट रॉन्गली डेबिटेड टू कैरेज और फ्रेट अकाउंट। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, हमने फिक्स असेट को एक्सपेंस माना है, तो हाउ विल यू रेक्टिफाई और आप एडजस्टमेंट क्या करोगे? इंग्लिश आनी चाहिए, आपने किस में लिया उसको? आपने उसको एक्सपेंसेस में लिया, उसको वो क्या है? फिक्स असेट है। सच एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स असेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन आर असेट अकाउंट। वो एंट्री होनी चाहिए असेट टू कैश, असेट टू कैश। आपने एंट्री डाली वेजेस टू कैश, आपने एंट्री डाली कैरेज टू कैश, आपने एंट्री डाली फ्रेट टू कैश। अकाउंट होना चाहिए मशीनरी फिक्स असेट अकाउंट, आपने लिया एक्सपेंस अकाउंट। तो आपने गलती क्या की है? असेट की जगह एक्सपेंस बोला है, राइट? तो आपको अब क्या करना होगा? एक्सपेंस से निकालना होगा। एक्सपेंस से निकालोगे और कहां पे डालोगे? असेट में डालोगे। परफेक्ट। तो यहां पे लिखो आगे, परफेक्ट। लिखो यहां पे, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, राइट, एड इन फिक्स्ड असेट। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस हम वेजेस से माइनस करेंगे, हम कैरेज से माइनस करेंगे, हम फ्रेट से माइनस करेंगे, एंड वही अमाउंट हम किस में ऐड करेंगे? असेट में। एक्सपेंस से माइनस हो रहा है, डेबिट से माइनस हो रहा है, मतलब क्रेडिट, और असेट में ऐड कर रहे हो मतलब डेबिट। एक क्रेडिट है, दूसरा डेबिट है। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें भी वो एक्सपेंस है वहां से माइनस करो, वहां से माइनस करो, एंड एंड राइट उसको ऐड करो असेट में। और असेट में ऐड करोगे फिर असेट की वैल्यू चेंज होगी, एंड वो नए वैल्यू पे डिप्रेशन देना है। इसलिए मैं बोलता हूँ डिप्रेशन एंड में करते जाओ, बिकॉज जब तक ये एडजस्टमेंट होगी नहीं, ये एडजस्टमेंट होगी नहीं, तब तक डिप्रेशन देना गलत रहेगा। बिकॉज जो ट्रायल बैलेंस में मशीनरी है वो गलत है, वो गलत वैल्यू है, उसको पहले रेक्टिफाई करना होगा और फिर हम डिप्रेशन लेंगे। गलत वैल्यू का परसेंटेज गलत ही आएगा, गलत वैल्यू का परसेंटेज गलत ही आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर डेप्रिसिएशन एंड में करते जाओ, मतलब ऐसी कोई एडजस्टमेंट रहेगी तो वो पहले कर लेंगे हम।
समझ में आ रहा है? तो अपना मशीनरी की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी और फिर करेक्ट डेप्रिसिएशन आएगा। ये समझा या नहीं समझा प्लीज टेल मी। अनदर एग्जांपल, परचेसेस ऑफ, इसमें लिख देना परचेसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट रॉन्गली इंक्लूडेड, राइट, और रॉन्गली कंसिडर्ड एज परचेसेस ऑफ गुड्स। ये 11th में आपने बहुत बार गलती की। आप मशीनरी परचेस करते थे और इंट्री करेक्ट इंट्री होती थी, करेक्ट इंट्री होती थी, ध्यान देना। आप मशीनरी परचेस करते थे और आप इंट्री बोलते थे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं बोलता हूं परचेस ऑफ मशीनरी इज अ मशीनरी अकाउंट एंड नॉट परचेस अकाउंट। आप गलत इंट्री बोलते थे परचेसेस टू कैश, करेक्ट इंट्री इज मशीनरी टू कैश। जब आपने फिक्स असेट परचेस किया है यू शुड एड इट इन फिक्स असेट, यू शुड एड इट इन फिक्स असेट। आपने गलती क्या की यहाँ इस एग्जाम्पल में, आपने उसको परचेसेस में लिया है। यू हैव कंसीडर्ड इज परचेसेस ऑफ गुड्स, मतलब आपने उसको परचेस में लिया है। देखो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल सर, हमने मशीनरी परचेस की, हमने मशीनरी में ऐड करना चाहिए असेट साइड पे, गलती से हमने गुड्स बोला है उसको, मतलब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेस है उसमें ऐड किया है। तो अब क्या करोगे बोलो, अब इस केस में क्या करोगे लिखो, हमने बोलो इस केस में क्या करोगे, परफेक्ट है भूमिका, करेक्ट मानसी। हम सर परचेस से निकालेंगे, वो परचेस नहीं है, वो फिक्स असेट है, परचेस ऑफ गुड्स नहीं है, गलती क्या हुई हमने उसको परचेस ऑफ गुड्स बोला है। तो परचेस से निकालेंगे, परचेस से निकालेंगे, परचेस से माइनस करेंगे और कहां पे ऐड करेंगे, फिक्स असेट में करेंगे। सो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडिंग द वेजेस, कैरेज पेड फॉर द मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडिंग द कैरेज, फ्रेट पेड फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडिंग द फ्रेट, परचेस ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडिंग द परचेसेस अकाउंट। मतलब इसमें जो असेट्स है हम उनको गलती से एक्सपेंस बोल रहे हैं, असेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। तो हम एक्सपेंस से निकालेंगे, एक्सपेंस से निकालेंगे और कहां पे लेके जाएंगे, असेट में। एक्सपेंस से निकाल के कहां पे लेके जाएंगे, असेट में। किसी को डाउट है इस एडजस्टमेंट में, इसको हाईलाइट करके रखना, वी आई एम पी लिख लेना, वी आई एम पी। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, समझा नहीं समझा एनीवन, जिसको डाउट है इस एडजस्टमेंट है तो बोलो यार जल्दी, मेक इट फास्ट। लिखो लिखो जल्दी लिखो, एनीवन हैज डाउट, अभी तक किसी का डाउट है तो बोलो। हम एक्सपेंस से माइनस कर रहे हैं और असेट में ऐड कर रहे हैं, फिक्स असेट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है, मतलब मानेगा 20 था, एग्जैक्टली उल्टा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, रॉन्गली इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स असेट। हो सकते हैं ना, गलती कुछ भी हो सकती है ना। आप मैंने क्या बोला, हमारा अकाउंटेंट पागल है तो गलती कुछ भी कर सकता है, फिक्स असेट। सर ऐसा कैसे करेगा वो, पर करेगा, ठीक है आगे, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, एग्जाम में कुछ भी एरर दे सकते हैं आपको जानबूझ के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली इंक्लूडेड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस को गलती से असेट में डाल दिया, एक्सपेंस में ऐड करना था कर दिया ऐड असेट में, करना था ऐड एक्सपेंस में कर दिया असेट में, रॉन्गली इंक्लूडेड इन द असेट, तो असेट में ऐड हुआ है, इंक्लूडेड इन द असेट, तो असेट से माइनस करो और एक्सपेंस में ऐड करो। एग्जाम्पल लिखो,
purchases of goods, purchases of goods wrongly taken as purchase of machinery. So इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अकाउंटेंट है, कुछ भी कर सकता है. मैंने पहले ही बोला हमारा फाइनल अकाउंट्स में हमारा अकाउंटेंट गधा है. फाइनल अकाउंट के चैप्टर के लिए हमारा अकाउंटेंट गधा है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है. और वही तो हम कर रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे हो सकता है कि हमने परचेस किए, हमने एक्सपेंसेस किए, गुड्स परचेस किए, उसको लगा फिक्स असेट परचेस किए और उस बंदे ने फिक्स असेट में ऐड कर दिया. हम बोलेंगे तू गधा है, लेस फ्रॉम फिक्स असेट. And add in expenses. Fixed assets से माइनस करेंगे, purchase में ऐड करेंगे. Fixed assets से माइनस करेंगे, purchase में ऐड करेंगे. English जिसको अच्छे से आती ना वो एडजस्टमेंट इजीली बोलेगा. Included in वहां से अब exclude करो और जिसमें जाना चाहिए उसमें ऐड करो. लिख लेना. लिख लेना. तो मैंने बोला था कोई एडजस्टमेंट मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा क्योंकि वो अपने आप समझ में आएगा. जब हम फाइनल अकाउंट्स के कोई क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा जल्दी क्लिक होता है. और ऑलवेज रिमेंबर एडजस्टमेंट 22 एंड 23 होने के बाद अगर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट 22 एंड 23 है, ये पहले करो और फिर डिप्रेशन करो. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ याद नहीं रखना है, याद क्या रखो, डिप्रेशन को सबसे एंड में करेंगे, सब एडजस्टमेंट के बाद डिप्रेशन करेंगे. मतलब ऑब्वियसली ये एडजस्टमेंट वही होगी अगर क्वेश्चन में रहेगी, हमारा गलत जाने का कोई सवाल ही नहीं. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडी, पेडीडी, इन एडजस्टमेंट को सबसे एंड में करना है, सबसे एंड में करना है. किसी के डाउट आज के लेक्चर में? एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? अरे लिखो यस और नो, जो कुछ भी है लिखो जल्दी. गुड, चलो फिर यहां पे रुकते हैं, आज हम यहां पे रुकते हैं. Thank you.